छात्रों शब्दों के अलग अलग भेद हैं। इसके पहले हमने लिखा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द, जो शब्द किसी शब्द का समान अर्थ देता है उसको समान अर्थ वाले शब्द हमने कहा था। तो आज हम सीखने वाले हैं उलट अर्थ देने वाले शब्द, यानी क्या विलोम शब्द। जो शब्द देखिए यहाँ पर परिभाषा भी दी है, किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीत अर्थ या विलोम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्द रहता है उसका ही उलट अर्थ वो बताता है, उसको ही विलोम शब्द कहा जाता है या विपरीत अर्थ शब्द कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरणों के द्वारा इस विलोम शब्दों को हम पहचानेंगे। देखिए सूरज सूरज सुबह उगता है और शाम को ढलता है। पहले वाक्य में देखिए सूरज सुबह उगता है और शाम को ढलता है। तो यहाँ पर सुबह सूरज कब उगता है, सुबह उगता है और शाम को ढलता है। तो सुबह और शाम यहाँ पर उलट अर्थ बता रहे हैं, अलग अलग समय है ना दोनों का, सुबह और यहाँ पर शाम, अलग अलग समय में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए यहाँ पर जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। हमारा जीवन जो है उसमें कभी हमारे जीवन में सुख आता है तो कभी क्या आता है, दुख आता है। तो सुख और दुख ये दोनों एक दूसरे का उलट अर्थ बता रहे हैं। तीसरा वाक्य देखिए, इसमें दिन में हम काम करते हैं और रात में सोते हैं। यहाँ पे अलग अलग समय के बारे में बताया है। तो दिन जब उजाला होता है दिन में क्या होता है, बहुत उजाला होता है और रात होने में अंधेरा होता है, रात में हम सोते हैं। दोनों अलग अलग यहाँ पर समय बताए हैं, दिन रात। देखो सूरज जब उगता है तब चारों तरफ क्या होता है, प्रकाश फैलता है और जब वो ढलता है तब क्या होता है, अंधकार फैलता है। तो देखिए सूरज जब उगता है तब प्रकाश और जब वो चला जाता है उसका अस्त होता है तब क्या होता है, अंधकार होता है। मतलब प्रकाश और अंधकार, एक तरफ प्रकाश और एक तरफ अंधकार, ये भी विलोम शब्द हो सकता है। हमारे जीवन में सुख आते हैं कभी दुख आते हैं, सुख और दुख ये विलोम शब्द है। कभी हमारे जीवन में हम ज्यादा पुण्य करते हैं कभी क्या करते हैं, पाप करते हैं, तो ये भी विलोम शब्द है। देखिए यहाँ पर हमने जो वाक्य देखे हैं उससे हमें सुबह शाम जीवन में कभी सुख, यहाँ पर सुख और दुख, यहाँ देखो तीसरे वाक्य में दिन और रात, ये क्या है, एक दूसरे के विरुद्ध या उलट अर्थ बता रहे हैं, इसलिए इनको विलोम शब्द कहा जाता है। ऐसे और उदाहरण हम देखने वाले हैं। हमें क्या करना है, ये परिभाषा अपने नोटबुक में लिख कर लेनी है और जो उदाहरण मैं देने वाला हूँ अभी उस उदाहरण को आपको नोटबुक में लिखना है। देखो यहाँ पर विलोम शब्दों के कुछ उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण है प्रेम घृणा, दूसरा है लाभ हानि, छोटी बड़ी, अपमान सम्मान, गरम ठंडा, आयात निर्यात, खाली भरा, न्याय अन्याय, देव दानव, राजा रंग। देखो विलोम शब्दों को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, यानी विरुद्ध उलट किया है ना, इससे एक विलोम शब्द दर्शाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो शब्द है, यहाँ पर इन शब्दों को आपको आपके नोटबुक में लिख कर लेना है और भी कुछ उदाहरण है जिनको आप अभी आप हम देखते हैं। ग्यारहवां शब्द है चतुर मूर्ख, बारहवां शब्द है ऊंच नीच, तेरहवां है स्वदेश विदेश, चौदहवां शब्द है हित अहित, पंद्रहवां शब्द है ज्ञान अज्ञान, सोलहवां शब्द है जय पराजय, सत्रहवां है सौभाग्य दुर्भाग्य, अठारहवां शब्द है सुपुत्र कुपुत्र, उन्नीसवां शब्द है नवी
साक्षर निरक्षर। देखिए इन शब्दों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, उनका वाचन करना है और इन शब्दों को पठन करना है और इसे सुंदर अक्षरों में आपके नोटबुक में लिखना है। देखिए यहाँ पर हमारा विलोम शब्द यह